इस इलाके से आता हूं, वहां तीन ऐसी घटनाएं हो गई सर, सभापति महोदय, जो देश को जानने लायक है कि पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है, शेड्यूल 5 का जिला है, जो संथाल पड़ना पूरा इलाका है, उसमें तीन अभी हत्याकांड ऐसा हुआ जिसमें कि घर में घुस के लड़की को जला दिया गया। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो दुमका में हो, चाहे काठीकुंड में हो, चाहे मेरे लोकसभा जरमुंडी में हो सर, और इन और पीरपैंती में भी अभी हुआ है सर, जो मेरा अपना खुद का विधानसभा है जहां का मैं वोटर हूं। ये चारों जगह जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और लगातार मैं इस पार्लियामेंट में बोलता रहा हूं सर कि वोट बैंक का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो आपका जिला मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, इन सबों का डिमोग्राफी बदल गया। और डिमोग्राफी यदि पूरे देश के पॉपुलेशन के बढ़ोतरी को यदि आप लेंगे, और यदि मेरे इलाके और जो बिहार का पार्ट है, जो बंगाल का पार्ट है, जो संथालपना झारखंड का पार्ट है, उसमें अचानक पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है, और पॉपुलेशन बढ़ा है मुसलमानों का, उन मुसलमानों का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर्म के आधार पर यदि आप देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी बहू सुरक्षित है कि नहीं, बेटी सुरक्षित है कि नहीं। ये चार घटनाएं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कि हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, लेकिन जो एक बड़ा ट्रेंड डेवलप हुआ है और पूरे देश को जानने वाला सवाल है सर कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है, और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त पाकुड़ एक जिला है हमारे यहां जिसका पॉपुलेशन 30% 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था, आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे, आज 4 लाख मुसलमान है। क्या ये यहां के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे? क्या ASI और PFI की जो एक्टिविटी है इस देश को तोड़ नहीं रही है? पूरे दुनिया का जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो सब मेरे इलाके में हो रहा है। यदि आप देखेंगे जामताड़ा नाम का नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा सीरियल हो चुका है, और वो सब बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये समय आ गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको बाहर करिए, और जो आदिवासियों के नाम पर जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं जो शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, उसको आप रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।